एलसीएम कहेंगे बाय डिवीजन मेथड के साथ सा। इसके लिए पहले हमने इस तरह करके एक बनाएंगे इसका टेबल सा। उसमें फर्स्ट नंबर को वैसे लिखा है जो कि 15 है, देन 25, 40 और फिर 80। अब इसको हमने डिवाइड करेंगे इनको किसी एक नंबर के साथ, जो कि मैं सपोज मैं इसमें सबसे पहले ले लेती हूँ। मुझे पता है कि इसमें ये 5 टाइम टेबल में सारे के सारे आते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को डिवाइड किया 5 के साथ तो 3 आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 8 आ जाएगा, एंड देन 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अगर आपको मुश्किल लगता है इसको डिवाइड करना तो आप इसको 80 को यहाँ पे रख के और 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है कि 5 टाइम 1 इज़ 5 होता है, और फिर दोनों को टेक अवे किया तो 3 आ जाएगा, और जो 0 है इसको फिर इस तरह लिख देंगे और ये बन जाएगा 30। 5 टाइम 6 इज़ 13, तो आंसर जो होता है इसको टेक अवे किया तो 0। इसका मतलब है 80 की जगह पे हम 16 लिख देंगे। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी टाइम टेबल के साथ, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए ज़्यादातर। तो इधर हम करेंगे इसको 2 टाइम टेबल से करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये देखें 2 के साथ 3 जो है वो डिवाइड नहीं होता 2 के साथ, तो इसको फिर एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि वैसे ही लिख देंगे। 5 भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको भी वैसे लिख दिया। 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ जो कि 4 आता है, और 16 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद फिर हम करेंगे इसको 2 के साथ दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 नहीं होता इसलिए वैसे रहने दिया। 5 भी वैसे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे। 4 को डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 8 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर 4 आता है। और फिर हमने इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो नंबर्स डिवाइड होते हैं इसलिए मैं 2 ले रही हूँ। 3 हो जाएगा, 5 भी वैसे ही आ जाएगा, इसको 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहाँ पे जो नीचे नंबर है वो सब 1 1 रहने चाहिए, इसलिए जब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। अब ये सब नंबर डिफरेंट हैं, इसको 1 को आप छोड़ दें बेशक, लेकिन देखिए 2 5 और 3 ये किसी भी टाइम टेबल में नहीं आते, सेपरेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले 2 लिख देती हूँ, तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 5 भी वैसे ही, और फिर 1, और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है। अब ये 2 1 आ गया, अभी 2 हमें ये चाहिए, तो इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 नंबर था यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा, कोमा डाल के फिर 5 हो जाएगा और फिर 1 और फिर 1। फिर हमने इसको करना है, 5 नंबर आ गया इसलिए 5 बाहर लिख दिया, 1 एज इट इज़, 5 को डिवाइड किया 1, फिर 1 और अगेन फिर 1 आ जाएगा। ये जो हमारे पास नंबर है अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 5 है टाइम्स 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 2 टाइम्स बाय 3 टाइम्स बाय 5। अब मैं इसको काउंट कर चेक कर लेती हूँ कि कोई मिस तो नहीं रहेगा नंबर, कोई मिस होगा कि नहीं। देखे 5 ऐसे है और 2 हमारे पास थे 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 ठीक हो गया, 3 एंड देन 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि 5 टाइम 2 इज़ होता है 10, ठीक है, 10 टाइम्स 2 इज़ 20, और ऐसे नहीं करना कि 2 4 6 8, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ये हो गया 10, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स 2 इज़ 10 हो गया, 10 टाइम्स 2 इज़ 20, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर 40 आ जाता है, 40 टाइम्स बाय 2 जो होता है वो 80 हो जाता है, 80 टाइम्स बाय 3 करेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है इसको मल्टीप्लाई करना तो साइड पे हम 80 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 8 टाइम 3 इज़ होता है 24, इसका मतलब है ये 240 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 240 को यहीं पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 500 5 टाइम 4 इज़ 20, बाकी रह गया 2, 5 टाइम 2 इज़ 10 और 2 इसमें ऐड किया तो आंसर हो गया 12। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 1200 है। इसका एलसीएम जो था इस क्वेश्चन का वो आता है 1000 एंड देन 200।